नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नकुल पहावा और गाइज मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्यों कार्पिन हेयर ऑयल का रिव्यू। गाइज ये ऑयल मार्केट में आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। ये ऑयल काफ़ी टाइम से मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी ब्रांड है और मार्केट में काफ़ी लोग इसको अपने हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी इसकी मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ी है, तगड़ी है। तो आमतौर पर हम इस ऑयल को सिंपल ऑयल की तरह यूज़ कर रहे हैं, नॉट एज कम्पेयर टू जैसे इंदुलेखा या फिर हम जो स्पेसिफिक हेयर्स ऑयल देखते हैं जो कि किसी हेयर ग्रोथ के लिए या इस तरह से आप तौर पे बनाए गए हैं। पर गाइज ये ऑयल जो है दो चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक तो ये ज़्यादा नॉन स्टिकी ऑयल के लिए, जिन लोगों को बाल ज़्यादा चिपचिपे पसंद नहीं है, एक तो ये उन लोगों के लिए बहुत खास है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जिन लोगों के सर में हेयर्स में आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। इस ऑयल को सही से अगर तरीके से जिस तरह हम बता रहे हैं अगर आप उस तरह से यूज़ करते हैं तो आप इस ऑयल का रिज़ल्ट जो है आपको बहुत ही जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाइज मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गाइज इस ऑयल को आपने हाथ पे थोड़ा सा लेकर पूरे जड़ों तक में मसाज करनी है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक और इसको 3 घंटे के लिए। अगर आप रात को यूज़ करें और पूरी रात के लिए छोड़ दे, लगा के छोड़ दे तो वो और बेटर रहेगा सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो अगर आप इसको रात को मालिश करने के बाद स्काल्प से अगर आप इसको छोड़ देते हैं रात को और सुबह उठ के किसी भी शैम्पू से अगर आप धो लेते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसको इस तरह से मसाज करते हैं तो 101% आपके हेयर फॉल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपको नॉर्मली आप इंदुलेखा लगाते हैं, केश क्रांति कुछ भी अगर लगाते हैं उसमें जो स्मेल आती है उससे भी जो आपको प्रॉब्लम रहती है उससे भी छुटकारा मिलेगा और ये ऑयल जो है उनके बराबर रिजल्ट देता है। दूसरी बात है एज़ कम्पेयर टू रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राइस भी बहुत ही सही है। ये जो पीस है ये 90 रुपीज़ का है, 200 ml का इसका पैक है जो इससे मेरे हाथ में है। ये मेरा ब्रदर यूज़ करता है काफ़ी टाइम से और ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी और अब उसका हेयर फॉल प्रॉब्लम इस ऑयल से बहुत ही कम हो चुका है। जिस तरह से आपको मैंने वे बताया है उसी वे से ऑयल लगाने से अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं डेली यूज़ के वाले ऑयल के हिसाब से कि हाँ सुबह लगाया और चला गया, उससे आपको ये वो बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा अगर आपको स्पेसिफिक हेयर फॉल प्रॉब्लम को कम करना है। तो क्या ये यूज़ कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी की नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा। बाय बाय सर, टेक केयर।